इसी क्या कहता है? ये लो पैसे। क्यों शर्मिंदा करते हो बिरजू उस्ताद? मुझ पर तुम्हारे इतने एहसान हैं कि जिंदगी भर नहीं चुका सकता। एहसानों को धंधे में डालेगा तो भूखा मर जाएगा। ये ले। जियो मेरे बेटे। क्या चाहिए? बिरजू। बिरजू? क्या कोई बिरजू नाम का आदमी आता है? हम यहाँ दारू पिलाते हैं, राशन कार्ड नहीं बनाते, त्योहारी का नाम दर्ज करते फिरे। सीधे से बोल, क्या बिरजू नाम का आदमी आता या नहीं, वरना ये दारू का धंधा बंद करके राशन कार्ड बनाने लगेगा। नहीं साहब नहीं, बिरजू नाम का कोई आदमी नहीं आता। मगर आप हैं कौन? विक्रम। डांस 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 डांस। ए गाड़ी रोको। अरे छोकरा बिरजू, उस दिन तो अपनी ताकत का जरा सा नमूना दिखाया था जिसे तुम जुलूस समझ बैठे। अरे अगर असल में तेरा जुलूस निकाला होता ना तो तेरी लाश इन्हीं चमचों के कंधों पर होती जिनके कंधों पर तू यहाँ सवार होकर आया है। मार को, मार मार के इसका थोड़ा इतना बिगाड़ दो। मारो। ये तो कल सुबह पता चलेगा कुत्ते, जब म्युनिसिपैलिटी वाले तेरी लाश को कुत्तों की लाशों की तरह खींच करने जाएंगे। शैतान का दूसरा नाम जैकब है। जैकब भागले वरना पैकअप हो जाएगा। भागले भागले। अरे तो तुम्हारी जात का पैरपाट मारूं। तेरा उन लोगों से झाड़ा क्या है? क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं कि तेरा मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, एन वक्त पर मेरी जान बचाने पहुंच गया और मुझ जैसे लावारिस को अपने घर ले आया। तो क्या मरने के लिए तुझे सड़क पर छोड़ा था? अपना तो यही दस्तूर है दोस्त, या तो हाथ बढ़ाओ नहीं, और अगर बढ़ाओ तो फिर हटाओ नहीं, चाहे दोस्ती पर जान क्यों न कुर्बान हो जाए। एक बात बता। क्या? तेरा इस दुनिया में कोई नहीं? कुछ दिन पहले तो सब थे, माँ बाप और बहन, मगर अचानक की आंधी आई और गुलशन जैसा हरा भरा घर शमशान में बदल गया। मुझे सब छोड़कर चले गए। माफ करना दोस्त, शायद मैंने तेरा दिल दुखाया है। वैसे तू करता क्या है? तलाश, उस राक्षस के भाई की तलाश जिसने मेरे खानदान के साथ खून की होली खेली। रखे भी तेरी तरह तलाश का मारा हुआ है। खैर तूने अपना नाम नहीं बताया। विजय है मेरा नाम, इसके पहले कुछ और था जिसके साथ पुरानी यादें जुड़ी हैं। तू कहे तो बता दो। जो मेरे दोस्त के जख्म को कुरेद डाले वो नाम नहीं नश्तर होगा मेरे लिए। तुझे आराम की जरूरत है और मुझे तलाश की। इस वक्त मुझे जिसकी तलाश है उसे मिलने के लिए इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता।
भूत भूत भूत। फिर जो आया मगर तुम इतने बड़े भूत यहाँ काहे के लिए आ गए भैया? फिर जो आया क्या? नहीं हाँ आया था, जैसे ही आपने निकाला उसने डाला पाँव है, हमने बता दिया देखो भैया एक बहुत खूनखार गुस्से वाला आदमी तेरे पीछे है, वो तेरा खून का प्यासा है। फटने से पहले यानी पो फटने से पहले सुबह होने से पहले यहाँ से चला गया, उसके बाद पलट के नहीं आया। अजी आप तो आप एक इंस्पेक्टर के पीछे पड़ा है इतना बड़ा डंडा लेके। एक बार वो कुत्ता हाथ लग जाए ना, जितना मैं तड़प रहा हूं उसी तरह तड़पा तड़पा कर कुत्ते से बदतर मौत ना मारा तो अपन भी अपनी मां का बेटा नहीं। बहन हूँ ना मेरा नाम छाया, मैं तो चांदनी हूँ चांदनी। मगर इस भाई की अंधेरी जिंदगी में चांदनी बनकर आई हो बहन, इसे कुदरत का करिश्मा कहूँ क्या अपना नसीब? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? विकी का दोस्त और तेरा भाई। भाई? पर मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि आंख को चुभने लगूं? बहन भाई की आंखों की चमक होती है चुभती नहीं। एक बार अपने भाई को अपनी जबान से भाई कह दे, जिस जबान की मोहताज थी मेरी बहन, इस बदनसीब भाई को एक बार भाई कह दे, सिर्फ एक बार। भैया भैया विकी कहाँ है?